सो हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा हुआ कि मैं एक नया लैपटॉप खरीदने जा रहा हूं। हां गाइस, मैं आज एक नया लैपटॉप खरीदने जा रहा हूं, तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि मेरा लैपटॉप कैसा होगा, कौन सी प्राइस में मैं लूँगा, कौन सा लैपटॉप लूँगा। तो अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि ब्लॉगिंग के लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा होता है। जैसे कि आपको पता है कि गांव में यूट्यूब वगैरह, ब्लॉगिंग वगैरह, वीडियोस वगैरह ये कोई मैटर नहीं करता, कोई अभी इसके बारे में जानता नहीं है। तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो मैंने कुछ अलग फील्ड चूज़ की, जो कि आप सभी लोग ब्लॉग्स देखते हो अलग अलग यूट्यूबर्स के। तो आई होप आप मुझे भी लाइक करोगे, मुझे भी सपोर्ट करोगे। तो आपसे मैं यही उम्मीद चाहता हूँ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो आप मुझे जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे। मैं लैपटॉप तो ले कर आ रहा हूँ, घर वालों ने मुझे पैसे भी दे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डाउट है कि ये पैसे फालतू तो नहीं जाएंगे, ये मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं यूट्यूब से पैसे कमा पाऊँगा कि नहीं कमा पाऊँगा। जैसे कि आपको पता है गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव की जो होती है हरियाली वगैरह, फसल वगैरह, बहुत मस्त लाइफ होती, बट कहीं ना कहीं लोग हैं इसी में ही पड़े हैं, आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। तो मैंने एक कदम उठाया है और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि मैं ब्लॉगिंग में करियर बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा। जैसे कि लैपटॉप भी अभी कम से कम 40,000 से ऊपर आएगा, आप जैसे कि जानते हो, तो 40,000 बहुत मायने रखता है। अभी तो मैंने अर्निंग ही स्टार्ट नहीं की है। मेरा शायद सेकंड ब्लॉग है, जो फर्स्ट ब्लॉग था उसको आपने अच्छा प्यार दिया, तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छा प्यार दोगे। और जल्दी से सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ कराओ, जल्दी से मेरे वीडियो शेयर करो। और अगर आप भी गाँव से बिलोंग करते हो, आप भी अगर चाहते हो कि गांव के लोग आगे बढ़े, तो आप सपोर्ट करें। अगर आप शहर से भी बिलोंग करते हो, तो आप गांव के लोगों को सपोर्ट करें, उसको इंक्रीज़ करें, उनसे बोले कि भाई आप करो, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे बहुत से लोग जो टैलेंट दबा के बैठे हैं, जो मतलब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बहुत से मैंने डांसर्स देखे हैं जो कि मेरी एरिया में काफ़ी अच्छे डांसर्स हैं, बहुत से सिंगर्स देखे हैं, बहुत से एक्टर्स भी हैं जो कि एक्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं फील्ड नहीं मिल रही है, उनको कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो ग्रोथ करे या आगे बढ़े। तो एक जो मैं ब्लॉगिंग हूँ, वो गांव के लोगों के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया कि अगर आप भी गांव से बिलोंग करते हो, तो आप आगे मेरा लैपटॉप ज़रूर देखें कि मैं कौन सा लैपटॉप परचेज करूँगा। आज मैं हमारे पास में जो शहर है गुना शहर, मैं उसमें आज जा रहा हूँ लैपटॉप परचेज करने के लिए। तो मेरा हार्ट धक 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 कर रहा है बहुत तेज, कि पता नहीं मुझसे गलत लैपटॉप ना आ जाए, और या फिर अगर लैपटॉप में मिस्टेक्स हो जाए और मुझसे लैपटॉप चलाना हो। आई होप मैं लैपटॉप चला पाऊँ, मेरा ड्रीम सक्सेस होने वाला है। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, आगे चलते हैं कि मैं कौन सा लैपटॉप परचेस करता हूँ। गुना जाते हैं, गुना भी बाइक से जाऊँगा, अभी मैं नहाऊँगा, कपड़े चेंज करूँगा, इसके बाद गुना निकलूँगा अभी। तो इस ब्लॉग को आप कंटिन्यू देखते रहें। तो हम गुना आ चुके हैं, ये मेरा फ्रेंड है। हाय, आई एम पवन सक्सेना, इसको साथ में लेकर आया हूँ। आज हम जो मेरी YouTube की सैलरी है, उसी से मैं लैपटॉप लेने के लिए आया हूँ। तो देखते हैं कौन सा कहाँ अच्छा, सबसे बेटर जो मिलेगा वही लेंगे। आज हम गुना में जो सबसे अच्छी दुकान होती है, सबसे अच्छा लैपटॉप जो है, जो कि मेरी पसंद है, वो HP का लैपटॉप मैं लेने के लिए आया हूँ। तो आई होप ये हम दुकान पर पहुँच चुके हैं, तो चलो देखते हैं लैपटॉप कौन कौन से अंदर हैं। बाकी के हम लेने के बाद आपको अपडेट देंगे कि मैंने कौन सा लैपटॉप लिया और कैसा होगा। और आगे मैं ये जो ब्लॉग है, इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया हो। तो हम लैपटॉप लेके आते हैं, देखते हैं आगे कौन सा लैपटॉप सबसे अच्छा, और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सबसे अच्छा लैपटॉप कौन सा है HP में, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत प्राइस मीडियम है, तो देखते हैं मीडियम प्राइस में कौन सा लैपटॉप मिल जाएगा। तो हम आते हैं लैपटॉप लेके। तो हाय गाइस, हम HP की लैपटॉप शॉप पे आ चुके हैं, तो आज हम HP का लैपटॉप परचेस करने जा रहे हैं। हम उनके दुकान के अंदर चलते हैं और जो भैया उनसे बात करेंगे कि कैसे लैपटॉप, क्या प्राइस में मिलते हैं और आप कैसे परचेस कर सकते हैं। तो ये भैया हैं, ये आपको बताएंगे कि कौन सा लैपटॉप आप कैसे परचेस कर सकते हो। तो भैया हमें बताइए कि आप लैपटॉप कैसे देते हो, कौन सा लैपटॉप कितने का है। तो ये भैया आ गए और है ना, आपकी शॉप का एड्रेस बताया ना। हेलो भैया, तो आप बताइए, हमें एक लैपटॉप चाहिए, तो अच्छा लैपटॉप कौन सा है, जो कि जो अभी जो भी है उनके लिए सस्ती कॉस्ट में लैपटॉप कौन सा, जो कि हर इंसान आजकल परचेस करना चाहता है, तो आप बताइए। मेरे पास काफ़ी सारे लैपटॉप हैं, मॉडल्स भी हैं इसमें, जैसे कि अपन देखें तो इसमें अपने यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, अपन को यूज़ क्या है,
जब आप मेरे को बताओगे आपकी नीड क्या है उसके हिसाब से फिर मैं आपको गेमिंग का सेक्टर अलग आता है, उसमें हमने तीन मतलब ब्रांड आते हैं, जैसे अपना पवेलियन गेमिंग आ जाएगा, विक्टस मॉडल आ जाएगा, प्लस जो फर्स्ट सीरीज आती है वुमेन आती है, इसमें एचपी वाई वुमेन जैसा है, तो ये अपना फर्स्ट सीरीज है गेमिंग का। और दूसरा अगर अपन देखें जैसे ब्लॉगर्स वगैरह यूट्यूब वगैरह जो बनाते हैं वीडियो डिजाइनिंग एडिटिंग है, इसके लिए अगर अपन देखें तो इसमें अपनी सीरीज आती है एनबी का जो मॉडल आते हैं और स्पेक्टर, ये दो मॉडल आती है, दो सीरीज जिसमें अपन ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इजीली। और दूसरी आती है फिर अपनी बेसिक आती है, जाके बेसिक में क्या है कि अपना जैसे स्टूडेंट यूज हो गया अपना ऑफिस यूज के हिसाब से, और उससे थोड़ा सा और अपन निकल नीचे जाएंगे तो जैसे अपन को क्यूज बैंकिंग है, एमपी ऑनलाइन है, इसके लिए अपन आई फाइव आई पी में भी जा सकते हैं, और थोड़ा सा नीचे जाना है अपन को अमाउंट वाइज, तो अपना फिर पेंटियम है, सालोन है, ये वाले मॉडल भी जाते हैं। तो आप सभी को जो परचेस करना है मैं एड्रेस इसमें मेंशन कर दूंगा, तो आप सभी लोग लैपटॉप देख सकते हैं, हम अभी हाथ में भी लेके देखेंगे, काफी अच्छे अच्छे लैपटॉप से आप परचेस कर सकते हैं। और ये भी बढ़िया भैया बता रहे हैं, और ये वाला भैया कौन सा है? ये अपना पेंटियम क्वाड कोर लैपटॉप है, इसमें अपना फुल 8GB रैम के साथ में 14HD डिस्प्ले आएगा, बैटरी बैकअप में इसमें कम से कम 4 से 5 घंटे का अपना बैटरी बैकअप रहेगा, फुल मल्टी यूज पे। और इसको हर स्टूडेंट परचेस कर सकता है, बाकी ये ब्लॉगर्स हैं वो भी परचेस कर सकते हैं, काफी अच्छा है, और वो अपने स्टार्टिंग काम के लिए यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग काम अपना कर सकते हैं। तो बाकी अगर ऑनलाइन आपको खोलना है सारे इसमें जनरल लाइफ टाइम आएंगे, साथ में इसमें 8GB रैम के साथ 256 SSD है NVMe, तो अभी स्टार्टिंग का सबसे अच्छा लैपटॉप है। और भैया ये वाला लैपटॉप काफी अच्छा लग रहा है, अच्छा भी दिख रहा है स्लिम है, तो इसके बारे में बताइए। ये वाले लैपटॉप उतने कन्वर्टेबल आते हैं, X360 रहते हैं जाके, पवेलियन सीरीज का लैपटॉप है, और ये अपना कोर i3 में है कन्वर्टेबल, इसका यूज अलग होता है, इसको अपन कोर मोड में इसको यूज कर सकते हैं, स्टैंड मोड होता है इसका, टेंट मोड होता है, साथ में इसमें नोटबुक मोड रहता है, तो काफी अच्छा लैपटॉप है, वैसे बेहतरीन लैपटॉप। तो आप अगर जो भी लैपटॉप बैटरी बैकअप 9000 से आएगा 9 घंटे के आसपास, तो काफी अच्छा बैटरी बैकअप रहेगा इसका, आप भी और देखते हैं फिर इसमें क्या क्या मैं चलाऊंगा, और आप भी लैपटॉप परचेस कर सकते हैं भैया के दुकान पे, इनका एड्रेस आप ले सकते हो वीडियो में, हमारा एड्रेस है नरेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स एचपी वर्ड पुणे, तो आप आ सकते हो यहाँ से परचेस कर सकते हो, जो भी अपन को लेना है एचपी के ब्रांडेड लैपटॉप, एचपी का ब्रांडेड शोरूम है जिसपे अपना ऑल इन वन डेस्कटॉप पीसी डेस्कटॉप आपको सारी चीजें ब्रांडेड मिलेंगी जेनुइन विंडोज के साथ, तो आपको जो भी चाहिए यहाँ पे आके आप परचेस कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे जाके, थैंक यू। सो हाय गाइस, मैं गुना से एचपी का लैपटॉप लेके आ चुका हूँ, तो मैं इसको खोल के देखता हूँ, मेरा फर्स्ट लैपटॉप है और ड्रीम मेरा पूरा हो गया, मैं अपने घर पे लैपटॉप लेके आ चुका हूँ, तो हम इसको खोल के अभी देखेंगे। तो मैं इसको स्टैंड पे लगाता हूँ फ़ोन को, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से दिख सके। तो जैसे कि आपको पता है कि जो भी नया नया यूट्यूबर्स जो रहते हैं, जो ब्लॉगर्स जो रहते हैं, तो उनके सपने होते हैं कि वो पूरे कर पाए उनके सपने को, तो हम इसको ओपन करते हैं, मैं इसको अभी लेके आया हूँ। तो सपना लगभग सभी का होगा जो यूट्यूब पर वर्क करते हैं या फिर ब्लॉगिंग करते हैं या फिर बिगनर यूट्यूबर हैं, तो हर इंसान का ये एक लैपटॉप निकला है, इसमें से ये इसका चार्जर भी निकला है। तो ये लैपटॉप चार्जर, हम लैपटॉप को ओपन करते हैं, एचपी का लैपटॉप है। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मेरे को अगर यूट्यूब से मुझे काम करने का मौका मिला या फिर मुझे यूट्यूब पर वर्क करने का मौका मिला, तो सबसे पहले मैं यूट्यूब से HP का लैपटॉप लेके आऊँगा। तो आज ड्रीम पूरा हो चुका है, ये HP का लैपटॉप है, हम इसको चालू करते हैं, तो अब काफ़ी वीडियो बनाने में भी अच्छा मज़ा आएगा, मुझे इन्जॉय होगा, और ख़ास करके जब अपन कहीं वीडियोस बनाने जाते हैं, ब्लॉग बनाने जाते हैं, तो लोग बोलते हैं इसके पास ना कैमरा है ना लैपटॉप है, ऐसे ब्लॉग बना रहा है फालतू है। तो आप सब लोग सपोर्ट करें, और अब हम इसको चालू करते हैं पावर ऑन बटन से, इसको चालू कर लिया है, तो देखते हैं
अब इस पर वीडियो बनाने का अच्छा मजा आएगा, इस पर ना एडिटिंग भी अच्छी होगी, तो मैंने ये लैपटॉप भी चालू कर लिया है। तो अगर आप भी यूट्यूब पर ब्लॉग वगैरह बनाते हो या फिर आप यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाते हो तो आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है कि हार नहीं माननी है। आज मैंने हार नहीं मानी और मैंने लैपटॉप लेके आ गया, क्योंकि इसकी प्राइस अगर हम बात करें तो 35,000 का मुझे पड़ा है घर ला के, पूरा किराया खर्चा वगैरह जो भी है, पेट्रोल वगैरह बाइक से गया था, पेट्रोल वगैरह, और इसका जो चार्जर है काफ़ी अच्छा, आप देखते हैं इसको चला के कहीं कैसे चलेगा। और गांव के लोग लगभग सभी लोग टैलेंटेड बंदे जो सब हैं, बॉयज गर्ल्स सभी लोग, तो वो कह रही पीछे रह रहा है। अगर कोई भी गाँव के बॉयज गर्ल्स अगर यूट्यूब पर आए या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर अगर वो आए तो कृपया आप उसको सपोर्ट करें, उसको मोटिवेट करें कि भाई हम आपके साथ हैं। कोई भी इंसान अगर YouTube पर आ रहा है तो आप उसे सपोर्ट जरूर करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को आपने लाइक भी किया होगा और सब्सक्राइब तो आपको करना ही, मेरा ब्लॉग बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनने में, जैसे कि आपको पता, और मेरा लैपटॉप आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने मिठाई भी बांटूंगा, अभी मिठाई लेके आऊँगा, मिठाई बांटूंगा सब। तो उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, सी यू अगेन गाइस।